हाँ सर हमको फोन करना है। हाँ रेफरी महोदय, इस गेम को पुनः प्रारंभ करवाए। आपकी बार दो टीम हार गई थी, फोन करिएगा एक बार, फोन बताए बात। अटैकर का मौका दिया जाएगा, देखते हैं अटैक करने के लिए इस बार पुनः समझ जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से एक ही झटके में अटैक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन क्रॉस नहीं किया अभी तक पूरी तरह से। ठीक, अटैक लाइन को क्रॉस किए हैं, कुछ गलतियां हो गई। ठीक है, अब की बार पुनः लाइन एक ही तरफ से अटैकर को अटैक लाइन को क्रॉस कर दिए हैं। अब की बार देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन अभी भी कोई रिएक्ट नहीं मिला है। अटैक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश पकड़े गए और उसके बाद एक अंक मिलता हुआ एक शून्य के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ प्रवीण यादव की टीम को एक अंक। और अटैकर के रूप में अच्छी बात पुनः जाते हुए अटैक करने की कोशिश की है, अटैक लाइन को क्रॉस की है, लेकिन अटैक लाइन को क्रॉस करने के बाद बोनस लाइन को भी क्रॉस नहीं किए, बोनस लाइन को क्रॉस नहीं किए। तो अटैक के रूप में पुनः जाते हुए और अटैक करने की कोशिश, अच्छी बात से क्या होने वाला है, अटैक करने की कोशिश किए, लेकिन अटैक लाइन को भी क्रॉस कर दिए हैं। अटैक लाइन को क्रॉस करने के बाद अभी कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोनस लाइन को भी क्रॉस नहीं किए हैं। इस तरह से एक शून्य पर अभी मैच रुका हुआ। अब की बार पुनः वही खिलाड़ी रूस, बहुत ही आक्रामक तरीके से रूस को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, लगभग ठीक ही। और यह अटैक लाइन को बार बार क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी को पकड़ नहीं पाया। और इसके साथ अभी भी मैच अटैक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश, अटैक लाइन को क्रॉस नहीं किया, पकड़े गए बहुत ही अच्छी तरह से आउट करते हुए एक खिलाड़ी को। और एक अंक के साथ प्रियांक पांडे की टीम को भी एक अंक मिला और एक अंक के साथ बराबरी का मुकाबला करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अटैक लाइन को क्रॉस कर दिए। अटैक लाइन को क्रॉस करने के बाद अभी भी बोनस लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, कोई भी अंक नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से प्रियांक पांडे अटैकर के रूप में अटैक लाइन को क्रॉस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, केवल अटैक लाइन को क्रॉस किए हैं, कोई भी अंक नहीं लिया जाएगा। मैच वहीं पर समा हुआ, कोई भी खिलाड़ी कोई पॉइंट नहीं लेता हुआ। खिलाड़ी टाइम का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक मैच 20 मिनट का ही होता है, अगर इस 20 मिनट के अंदर कोई भी नहीं बटोर पाते हैं तो मेरी टीम इन तक को बढ़त बनाए हुए है उनको ये कर। ठीक है, एक अंक और बढ़ाते हुए एक एक अंकों को बटोरते हुए और इस एक अंक के साथ टोटल टीम का स्कोर 2 अंक एक अंक का बढ़त बनाए हुए प्रियांक पांडे की तरफ से टीम की तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन अभी भी अटैक लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। अटैक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किए और हाँ आउट करते हैं, और एक अंक के साथ आउट करने पर फिर एक अंक दिया जाएगा और बोनस लाइन को क्रॉस करने के लिए एक अंक। तो एक अंकों के साथ अभी भी अटैक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किए, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अब की बार देखते हैं, ठीक है अटैक लाइन को क्रॉस कर दिए हैं, अटैक लाइन को क्रॉस करने के बाद कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा और अरे मैच यही पर रुका हुआ। दोनों का मैच रुका हुआ, अटैक लाइन को क्रॉस कर दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गेम को खेलते हुए अटैक करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कर पाए। एक अंक के साथ दोनों का मैच बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आउट करते हुए एक अंक और बढ़ गया था, और इस बढ़ोतरी के साथ प्रवीण की टीम को एक अंक और मिल गया, जिसे एक अंक के साथ तुरंत टीम 3-2 पर मैच रुका हुआ। अब की बार अटैक करने के लिए प्रवीण की
मैं उसके लिए पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से अटैक करते, बहुत अच्छी तरह से खेल खेलते हुए, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाए और देखें क्या होगा उसमें, खेल नहीं हुआ के साथ अभी मैच वहीं पर रुका हुआ। अटैक करने के लिए पुनः अटैक लाइन को भी क्रॉस करके बोनस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए अभी, ठीक है। हाँ, बोनस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किए तो लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। इसी तरह से अटैक लाइन को क्रॉस करने का मतलब है जिस लाइन को क्रॉस करना, थोड़ी तरह से उस लाइन को क्रॉस करना होता है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से गेम को खेल रहे हैं, लेकिन अब देखें क्या होगा। उठा लिए गए, पकड़ लिए गए, लेकिन कोई नहीं मिला। और इसके साथ अभी क्वीन की टीम को एक अंक और मिल गया, 4-2 पर, 2 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। पूरी तरह से हावी है तेरी क्वीन की टीम, प्रियांश पांडे की टीम अभी भी 2 अंकों से पीछे है। अब की बात देखते हैं, अटैक लाइन को तो क्रॉस कर दिया, लेकिन एक अंक और दे गया, एक खिलाड़ी आउट हो गया। 5 अंकों के साथ प्रवीण की टीम बहुत ही अच्छी तरह से बढ़त बनाए हुए है। आप देखते हैं क्या हुआ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बोनस लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। एक अंक और दिया जाएगा, एक अंक के साथ प्रियांश पांडे की टीम 3 अंकों के साथ और प्रवीण की टीम 2 अंकों के साथ अभी भी वहीं रुक गई। कब तक लगता है, बहुत ही हतोत्साहित हो चुके हैं। एक बार तालियों से स्वागत कर दिया, जोरदार तरीके से। अरे कुछ गलतियां हो गई, सुनील यादव की टीम 5 है और प्रियांश पांडे की टीम 3 है। बहुत ही अच्छी तरीके से रोज जाते हैं, रोज बहुत ही अच्छी तरीके से अटैक करते हैं, लेकिन पकड़े गए। अब की बार कुछ नहीं कर पाए, पिछली बार की तरह वो भी 5 अंक एक साथ बटोरना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, पकड़े गए। और इसी के साथ प्रियांश पांडे की टीम 4 अंक पर और प्रवीण की टीम 5 अंक पर अटैक करने के लिए प्रवीण पांडे की टीम की तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लिए गए, कुछ नहीं, बहुत सही, एक अंक मिलेगा इधर, ठीक है। क्योंकि अटैकर जो है चालाकी के साथ आउट लाइन के बाहर जाना चाहता था, एक अंक और माइनस कर दिया जाता। हाँ इधर नहीं, माइनस नहीं होगा, लेकिन प्रवीण यादव की टीम जो है 6 अंक पर और प्रियांश की टीम 4 अंकों पर अभी भी बहुत आसानी के साथ दोनों लाइन को एक ही अंक में क्रॉस हो गया। खिलाड़ी लगते हैं बहुत ही चलाकी के साथ, 7 अंक, 3 अंक और चाहिए जीतने के लिए। हमको लगता है कि प्रियांश पांडे की टीम हार गई है, क्या होने वाला है अभी भी। तुरंत बता देना चाहिए था, निकल कर तुरंत बाहर निकल कर बता देना चाहिए था ना। अब वो कैसे, मैं कभी बात करता हूँ। एक अंक और चाहिए प्रवीण की टीम को, एक अंक और चाहिए। अगर ये अटैकर अटैक लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं तो एक अंक ऐसे मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपकी बार लगता है कि ना बहुत ही आक्रामक तरीके से पकड़ लिए गए आउट होते हुए, और इस तरह से